बाबल विधानसभा के दर्जनों ऐसे गांव हैं जो बदहाली का दंश झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों की हालत भी ठीक नहीं है, अभी भी हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। गुरुजी और शिष्यों पर हर वक्त हादसों का खतरा मंडराता रहता है। इस बार चुनाव से पहले ही बाबल क्षेत्र से विधायक एवं हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे पिछली पुस्तों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ पार्टी के प्रति अपना दायित्व निभाते आ रहे हैं, लेकिन मंत्री के व्यवहार से वे ना खुश हैं, इसलिए इस बार विधानसभा में मंत्री का विरोध करते हुए मतदान नहीं करेंगे। उन्होंने पार्टी से अपील करते हुए कहा है कि पार्टी किसी अच्छे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए ताकि क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का सम्मान और क्षेत्र के गांव की सड़कें और स्कूल दुरुस्त हो पाएं। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मेरा नाम आरती तवर है, मैं एज अ पीजीटी इन इंग्लिश इस GSS बालावास विद्यालय में कार्यरत हूँ। सर, समस्याएं तो मेन तो यही है कि जब भी हम सब यहाँ एंट्री करते हैं तो जो गांव की शुरुआत है वही पानी के गड्ढों से भरी हुई है। पहले रूट टूटा हुआ था रोड, लेकिन अब बारिश में हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में आने में, और इसकी वजह से कई बार कई छोटे मोटे हादसे भी होते रहते हैं रस्ते पर। तो हमारी तो अपने गांव से भी और आगे भी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी रोड की व्यवस्था करी जाए ताकि बच्चों को भी सुविधा हो आने में और किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना। बिल्डिंग सर, मेरे को लगभग यहाँ 2 साल हो गए आए हुए, तो 2 साल से मैं इस बिल्डिंग को इसी हालत में देख रही हूँ। इससे संबंधित यहाँ पर कई बार लोग आए हैं, कई बार नक्शा वगैरह भी लेके जाते हैं, सरपंच सर भी हमारे यहाँ पे आए थे, कई लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन आगे की व्यवस्था कुछ हो नहीं पा रही है। अब किस वजह से ये रुकी हुई है वो तो आगे ही प्रशासन ही जाने। मैडम, कुल पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे भी पड़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ के जो माहौल है उसमें भी दिक्कत है। हमारे पास PTI भी नहीं है, 4th क्लास भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उससे भी हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों की स्ट्रेंथ भी कम है। हमारा तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बच्चों की तरफ ध्यान रखते हुए इस बिल्डिंग को सुधारा जाए, रोड की अच्छे से व्यवस्था करी जाए। मैं ये नाम ना लेना हूँ, देखान कर दो, मैं खड़ी होली फोटो खत्म। किस तरह की समस्या आपको? समस्या भाई यह सब बालक जावे पानी का मां कर, यह समस्या सोर तो के समस्या हो। कर दिया हमने तो घनी, कोई ना सुनाई करा के वोट आओ और चेक में आओ भाई। हमने क्या, हम थोड़ी बनाओ सड़क बनाओ नाला तो गवर्नमेंट आप क्या मन बनाया क्या को वोट हमने काय की ना देनी ना देवा है ना काय की काम करो ना करो। मारा बालक सब उबड़ा कर जा, मारा घर डूब पड़ लाग रहा है, मारा दिक्कत मारा कान के कर रखे हम तो को वोट दे नर को बात बनाऊ तो ठीक ना बनाऊ तो ठीक दर मारा बेटा पर लिखेंगे। शिकायत कर करके परेशान हो चुकी क्या? हाँ, खबर फोटो को ताली घर का छोर आने को तब तारी इसी तीज के आउट फोटो को तुआ हो सो गाड़ी के। क्या नाम आपका? मेरे रेखा नाम। कौन से गांव? धारण से। क्या कुछ समस्या आपकी? समस्या ये देख लो, ये कूड़ा करकट घर का सामने पड़ा, अनुने रोड फुटो पड़ो है, गली से गली देखो कितनी गंदी हो रही है, नाली से नाली भर जैसे उन्हें साफ करने या कितना दिन में आवे से, और फिर वो करकट चले जैसे, और भीमराव को देख लो ये खड़ा तो कर दिया, इनकी वो ना कर जा रही है, सफाई सफाई हुआ नाला सब भरे पड़ा से, इन्हें सफाई करवा दो और की बता रही। हम मंत्री का क्या करके जा रहा सब, मंत्री सब अपनी अपनी जेब भर के जा रहा सब, और कोई कुछ नहीं कर रहा बस। क्या रहेगा चुनाव में जो कोई हमारे यहाँ सही करवाओगे, हम तो काला नू कहा हमारी सही करवाओ, हाँ फिर देवांगा हम तो, नहीं तो ना देवा, मारे तो घर में रह जाएगी पर ना देवा हम तो। मेरा मीना, क्या समस्या आपकी? मेरा यह समस्या से देख चो फुलिया के ऊपर भीमराव की आप या फोटो लगी हुई से है, नो बताओ अंगड़बाड़ी के पास या हमारे धर्मशाला बेकार हुई से साफ होनी चाहिए, कति सही होनी चाहिए, अरे यहाँ में टाइल टूल लगानी चाहिए, भीमराव कन बढ़िया टाइल टूल सुथरो साफ सफाई होनी चाहिए। हम नहीं तो देखो आप तो बेरोस गाँव बस्ती में देखो ये गंदगी तो सही यहाँ पर बताओ, ये तो हमने बेरोस वोट दो आप जो करवाओगे तो वोट भी देंगे।